Hello students, welcome again on this YouTube channel. So today we are going to know about sodium hydroxide. Salt जो है हमारे पास sodium hydroxide है. अब इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि sodium hydroxide का formula क्या है, general formula क्या है, common नाम sodium hydroxide को क्या दिया जाता है और sodium hydroxide बनता कैसे है, मतलब कि method of preparation of सोडियम हाइड्रोक्साइड. आफ्टर देन हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एट द एंड हम यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी पढ़ने वाले हैं. चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के जनरल फार्मूले के बारे में. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सभी बच्चों को पता होगा, इसका जो जनरल फार्मूला होता है NaOH, आप इसको समझ सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में भी. केमिकल फॉर्मूला क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH है. ठीक है, तो एक इसमें बहुत कॉमनली क्वेश्चन बनता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक नाम दिया जाता है और नाम वो है कॉस्टिक सोडा. मतलब कि इंडस्ट्रियल स्केल में अगर हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे पहचाना जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को इंडस्ट्रियल स्केल के हिसाब से अगर समझें तो उसको हम कॉस्टिक सोडा कहते हैं. The name of sodium hydroxide, caustic soda. याद रखें, caustic soda. Now the question arises, why sodium hydroxide is known as caustic soda? ठीक है, तो actual में sodium hydroxide को हम caustic soda क्यों कहते हैं, इसके पीछे का reason क्या है? Because sodium hydroxide एक ऐसा salt है, जब ये water या हमारे कॉन्टेक्ट में आता है तो हमारे जो स्किन होती है दैट सीम्स टू बी वेरी सेंसिटिव और बहुत ज्यादा कोरोसिव नेचर का होता है. यू कैन से सोडियम हाइड्रोक्साइड सो कोरोसिव नेचर. ठीक है, कोरोसिव नेचर, सेंसिटिविटी शो करेगा, जलन फील करेगा जब हमारे स्किन जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के कॉन्टेक्ट में आएगी. सो दैट्स व्हाई कॉस्टिक वर्ड का जो मतलब होता है वो ये माने कि हार्मफुल होता है या सेंसिटिव होता है या इरिटेटिंग होता है कोई चीज, है ना, इस तरह से का अगर बिहेवियर शो करती है तो उसको हम कॉस्टिक वर्ड कह सकते हैं. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसलिए कॉस्टिक सोडा इसको कहा जाता है, याद रहेगा. ठीक है, इसके अंदर कितने कौन कौन से आयन है, आयनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक आयनिक कंपाउंड है. और अगर कोई आपसे पूछे क्या है इनऑर्गेनिक सॉल्ट तो कहते हैं, ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है और इसके अंदर कैटायन जो है वो है सोडियम और जो एनायन पार्ट है वो है हमारे पास कौन सा OH हाइड्रोक्साइड. ठीक है, तो मैं इसको यहां से डिस्टिंग्विश कर रहा हूं OH पार्ट एनायन वाला पार्ट है. ठीक है, अब देखो हम यहां बात करेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां कि व्हाट इज द प्रिपरेशन मेथड ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. यहां से एक टेक्निकल क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको बताने वाला हूं. तो पहले हम देखते हैं इसमें हेडिंग दे लेते हैं प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH. ठीक है जी, तो इस मेथड को आपको याद रखना है. तो एक मैं इसमें एक लाइन लिखता हूं, इट इज प्रिपेयर्ड, it is prepared industrially या on industrial scale आप देख सकते हैं industrially by the electrolysis of sodium या यू कहें सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड NaCl. ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, इट इज प्रिपेयर्ड इंडस्ट्रियली बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सैचुरेटेड NaCl एंड दैट मेथड इज नोन एज एंड दैट मेथड आप लिखें इसमें एंड या दिस मेथड इज known as known as
क्लोर एल्कीन, ये वर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ क्लोर एल्कीन मेथड, ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन क्रिएट होता है भाई यहां से, क्लोर एल्कीन मेथड। सो फ्रेंड्स, यहां हम एक टर्म को पढ़ेंगे, ऐसे सिस्टम को पढ़ेंगे, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेंगे जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को तैयार किया जाता है। तो नेम ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट इज लिखा हुआ है कैस्टनर केलनर सेल, ठीक है। ये एक ऐसा सेल है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इसके साथ सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के लेकर के क्या तैयार होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन होती है। याद रखें ये वाला सेल का नाम याद। और इसके अंदर क्या होता है, दो टर्मिनल होते हैं, एक होता है एनोड और इसके अंदर एक दूसरा टर्मिनल मिलेगा कैथोड। एनोड का मतलब होता है जहां ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जहां पे ऑक्सीडेशन होती है, और कैथोड में एक ऐसा टर्मिनल जहां रिडक्शन होती है। अब देखिए क्या होगा, बिकॉज और फ्रेंड्स इस पूरे प्रोसेस में हम क्या करने वाले हैं, एक्वस सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर डाल रहे हैं, किसके अंदर डाल रहे हैं, पहले इस बात को समझे। हमने NaCl लिया, सोडियम क्लोराइड लिया, उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया, और एक्वस सॉल्यूशन भी कब तक तैयार करना है, जब तक कि उसका एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं हमें मिल जाता। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है हमें जब तक सोडियम क्लोराइड किसी पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर प्रेशर पे उसको मिक्सअप करते रहता है, उसको सॉलिड, जब तक कि वो पूरी तरह से सॉलिबिलिटी शो करना बंद नहीं कर देता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करवाना है, और वो जो सिस्टम होगा जहां हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, उस सेल का नाम, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम मैंने आपको लिख दिया है कैस्टनर केलनर सेल, उसको कहा जाता है, ठीक है जी। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, मैं एक टर्म यहां मेंशन कर देता हूं, सैचुरेटेड NaCl जो होता है, एक्वस सॉल्यूशन लिख देता हूं पूरा, एक्वस NaCl जो होता है, याद रखें इसको हम क्या कहते हैं, ब्राइट वर्ड यूज करते हैं, BRINE यूज करते हैं, सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन, ठीक है। अब इस ब्राइन जो टर्म दिया है इसके अंदर हमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवानी है। अब देखिए इसमें होगा क्या, तो NaCl जो इसका जो नेगेटिव पार्ट आता है, किसका, NaCl का ये वाला जो पार्ट आएगा ये गैस की फॉर्म में निकल जाएगा, और कहां रिएक्शन होगी, सबसे पहले एनोड टर्मिनल को देखते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन होगी, ये जो NaCl का क्लोरीन होगा ये क्या करेगा, इसके कैस्टनर केलनर सेल के एनोड टर्मिनल में जाकर के Cl2 की फॉर्म में क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, इसको बैलेंस करना होता है, ठीक है। 2 क्लोराइड आयन Cl2 गैस की फॉर्म में कहां निकलेंगे, ऑक्सीडेशन की फॉर्म में एनोड जो टर्मिनल होगा वहां निकल जाएंगे। अब उसके बाद हमारे पास कौन सा टर्मिनल सोडियम क्लोराइड का बचा, Na पॉजिटिव, तो कैथोड जो टर्मिनल होगा इसको हम मेंशन कर देते हैं, कैथोड टर्मिनल में क्या होगा, जो Na पॉजिटिव होगा इसमें हो रहा रिडक्शन, Na पॉजिटिव प्लस ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है आप इसको यहां लिख लें, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट शुड बी बैलेंस्ड। अब देखिए Na पॉजिटिव क्या बनाएगा, एक Na का एटम बनाएगा, लेकिन यहां हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसको बैलेंस करने के लिए हमें यहां 2 आयन लिखना पड़ेगा, और यहां टोटल नंबर ऑफ सोडियम एटम कितने बन जाएंगे, वो भी 2 बन जाएंगे। ओके, अभी बात खत्म नहीं हुई, अब इसके अंदर सोडियम के आयन का भी हमें पता चल गया क्या हुआ, क्लोराइड के आयन का भी पता चल गया कि कैस्टनर केलनर सेल के अंदर क्या हो रहा है उनके साथ, एक तो Cl2 गैस की फॉर्म में उसको इवैल्यूएशन हो जाएगा, और साथ के साथ सोडियम की एटम जो है वो अभी क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस में वाटर के साथ इलेक्ट्रिसिटी जो जब हम पास आउट करवाएंगे
वहां एल्कली बन जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा, एल्कली। तो इसीलिए इसको हम क्लोरो एल्कली मेथड भी कहते हैं, मैं ये भी आपको मेंशन करवा दूंगा, वेट करिए फॉर। अब देखिए इसमें क्या किया, जो हमारे पास Na आया था 2Na, इसको हमने मेंशन किया, ये किसके साथ रिएक्शन करा, इसका हो रहा है वाटर के साथ, और यहां हम क्या करवा रहे हैं, एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी का पास, इलेक्ट्रिकल करंट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी लिख देता हूं फिलहाल, आप समझ लें। और देखिए यहां क्या होगा, सोडियम पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ के साथ यहां से कौन सी गैस निकलेगी, Na, और देखिए ये H पॉजिटिव है प्लस यहां OH नेगेटिव आए हैं, तो ये जो पार्ट है ये मानिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, तो यहां Na OH मिल जाएगा, और ये जो H पॉजिटिव है बहुत सारे इसके आयंस होंगे, तो H पॉजिटिव दूसरे आयन से मिलकर के कौन सी गैस बनाएगा, हाइड्रोजन गैस, तो यहां हमें क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस। कौन से टर्मिनल में हो रहा है सारा रिएक्शन, कैथोड टर्मिनल में ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है, आई होप कुछ हद तक आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी ये एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, फिर कोई दूसरा वीडियो आएगा उसके अंदर मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा एनोड कैथोड किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर अच्छे से देखें, यहां जो तल बना, ये जो प्रोडक्ट हमारे पास आया, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को एल्कली कहा जाता है, तो एल्कली का मतलब क्या होता है, ऐसे बेसिस, ऐसे बेसिक सब्सटेंसेस जो पानी के अंदर अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। तो पूरे प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है, इस मेथड को उसको क्या कहा कि क्लोर एल्कली मेथड या प्रोसेस, जिसको मैं कह देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। दिस मेथड इज यूज्ड टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको क्यों, क्लोर का मतलब क्लोरीन, गैस क्या बनी यहां, क्लोरीन, और दूसरा क्या बना मेन प्रोडक्ट, एल्कली। एल्कली क्या होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मैंने आपको बताया सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एल्कली है, बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। तो ठीक है, और हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी कहां, कैथोड टर्मिनल में, किसके कैथोड टर्मिनल में, जिसका नाम क्या बताया सेल का, कैस्नर कैल्थनर सेल के कैथोड वाले टर्मिनल में। अब इस पूरे इक्वेशंस को, पूरे सिस्टम को, जो भी मैंने आपको इक्वेशन लिखी, इसको एक हम पर्टिकुलर एक इक्वेशन दे देते हैं, ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। हम लिखने वाले हैं एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन, और ये रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में हम बात कर रहे थे, ठीक है, तो मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ प्रिपरेशंस, और प्रिपरेशंस ऑफ विच वन, ऑफ NaOH। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, केमिकल इक्वेशन को डायरेक्टली लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया, देखिए क्या कैसे रिएक्शन बनती है, और इसके अंदर हमें क्या करना था, वाटर, आप लिख सकते हैं वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवानी है, और सेल का नाम क्या है, इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, कैस्नर कैल्नर सेल, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी हमने पास आउट करवाई, तो मुझे बताइए क्या बनेगा प्रोडक्ट के फॉर्म में, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, साथ के साथ यहां हमें क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस Cl है, प्लस हमें क्या मिलने वाला है, हाइड्रोजन H2 गैस क्लोरीन गैस है, तो इसको मैं जी से सिंबलाइज कर सकता हूं, इसको जी से, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है एक तरह से सॉलिड फॉर्म में हमें लास्ट में ऑब्टेन हो जाएगा, तो इसको सॉलिड फॉर्म में चलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये केमिकल रिएक्शन है, और इसको करना होता है नेक्स्ट बैलेंस, तो यहां क्या है Cl2 है, तो इसको सबसे पहले मैं यहां मेंशन कर देता हूं, और यहां अगर मैंने 2 लगाया तो मींस यहां सोडियम के लिए भी हमें 2 लगाना पड़ेगा, बाकी आप मेंशन कर लें, आई होप आप कर लें, आपने कर लिया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखें, प्रैक्टिस करें, बहुत आसान है, क्लोर एल्कली प्रोसेस इसको कहा जाता है, मैंने बार बार मेंशन कर दिया, बिकॉज क्लोरीन और एल्की हमें मिल जाता है इस प्रोसेस के थ्रू, प्रिपरेशन मेथड ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड।
सो स्टूडेंट्स अभी हम बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की उनके बारे में। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने मेंशन कर दी है, इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है पहली बार, और ये लेबोरेटरी के अंदर एक पैलेट्स की फॉर्म में आता है, पैलेट्स की फॉर्म में आता है, छोटी छोटी गोलियां होती हैं। ठीक है, तो और सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कोरोसिव नेचर का होता है, कॉस्टिक सोडा जिसको कहा जाता है। ठीक है, और जब भी वाटर के अंदर इसका सॉल्यूशन बनता है तो काफी रिएक्शन जो होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, एसिड के साथ ही जब कभी कभी आपने देखा होगा एसिड के साथ वाटर डालते हैं जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, काफी एक्सोथर्मिक टाइप रिएक्शन शो करती है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड पानी में डलता है तो वो एक रिएक्शन जो होती है काफी गर्म हो जाती है, जो भी आपने बीकर या कंटेनर लिया होता है वो काफी गर्म हो जाता है। लाइक दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इसी तरह का बिहेवियर शो करती है, तो आप कह सकते हैं कि पानी के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एक्सोथर्मिक टाइप रिएक्शन शो करता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देख लेते हैं अभी, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 591 केल्विन। ठीक है, केल्विन एक एब्सोल्यूट स्केल होती है, ठीक है, इसको कहा जाता है केल्विन स्केल को एब्सोल्यूट स्केल, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा 591 केल्विन है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं, इट रैपिडली डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत जल्दी से पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है और एक एल्केली सॉल्यूशन, इसको एल्केलाइन सॉल्यूशन बोल रहे हैं, वो बनाता है ना। ऐसे बेसिस, ऐसे बेसिक सब्सटेंसेस जो पानी के अंदर घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एल्केली, और सॉल्यूशन का नाम क्या हो जाएगा, एल्केलाइन सॉल्यूशन। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, क्रिस्टल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डेलिक्विसेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, डेलिक्विसेंट इस वर्ड का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या पानी के या एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, कभी कभी देखा होगा कुछ सब्सटेंसेस एटमॉस्फेयर में से ही वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोल रहे हैं, डेलिक्विसेंट। ठीक है, विच एब्जॉर्ब, कहता हूं विच एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, डेलिक्विसेंट बोलते हैं। तो क्रिस्टल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ऐसा ही बिहेवियर शो करते हैं, तभी तो हम कहते हैं ना कि जब भी हम साल्ट लैब के अंदर काम करते हैं, कोई भी सॉल्ट को ओपन करते हैं, तो ओपन करने के जस्ट बाद, मान लो यूज कर लिया आपने, तो तुरंत उस कैप को, कंटेनर की कैप को बंद कर देना चाहिए, अदरवाइज सॉल्ट क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, मॉइस्चर रिटेन कर सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ की ये जो प्रॉपर्टी है, देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है, व्हेन एक्सपोज्ड टू ओपन एयर, मतलब कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ओपन एयर में रख देते हैं तो क्या होगा, इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर, जो मैंने अभी अभी कहा वही बात कह रहा है, एंड गेट डिसॉल्व इन इट, और पानी में रखे रखे वो पैलेट्स क्या हो जाएंगी, घुल जाएंगी। आपको लगेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पहले था ही नहीं, घुल गया, खत्म हो जाएगा वो, और फर्दर क्या होगा, फिर वो जो सोल्यूशन बनेगा वो धीरे धीरे एटमोस्फेयर में से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उससे रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा। देखिए एक बार फिर से मैं समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। सपोज करें आप लैब में गए, आपने उस कंटेनर को ओपन किया, ठीक है, यूज भी किया, और वो बोतल, वो कंटेनर ओपन ही रह गया, तो क्या होगा, दो दिन, पांच दिन, दस दिन के बाद जब आप जाओगे उसके लैब में, फिर से उस कंटेनर को देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो हो सकता है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने पहले कंटेनर में देखा होगा वो एकदम से मेल्ट हो चुका होगा, मतलब कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर चुका होगा, और वो जो सॉल्यूशन बना हुआ होगा वो एनवायरनमेंट में से अब क्या अटेन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या मिलेगा, एक रिएक्शन मिलेगी वहां, तो उस रिएक्शन को मैं लिख देता हूं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले सॉलिड फॉर्म में था, ठीक है जी, और वाटर इसने लिया, ठीक है, एनवायरमेंट से, और रिएक्शन किसके साथ हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो यहां जो सॉल्ट मिलेगा आपको सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3, ठीक है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट आपको सॉल्ट की फॉर्म में मिलेगा।
ठीक है। और बाकी आप इसको चाहे यहां से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम एक्वा सॉल्यूशन हमने बना लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर अटेन करते हैं, क्या बन गया, एक तरह से एक्वा सॉल्यूशन और CO2 के साथ रिएक्शन होगी और लास्ट में हो सकता है वहां से कुछ वाटर के मॉलिक्यूल भी आपको देखने को मिल जाए। ओके, आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि इसलिए हम कह रहे हैं कि हम कंटेनर को जब भी हम यूज, जब मान लो यूज कर हमने कर लिया कंटेनर कोई सा भी हो, तो प्लीज उस कंटेनर के जो कैप होगा उसको बंद करके ही जाएं लैब से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सम मेटल्स। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। देखिए इसमें क्या कहा, सम मेटल्स, कौन सी मेटल जो बहुत एक्टिव होती हैं। तो एक्टिव मेटल के अंदर एक जिंक और एल्युमिनियम का एग्जांपल लिया है। ये मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन से बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है और वहां से हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है। तो ये एक एक प्रॉपर्टी है, बेस की प्रॉपर्टी। बेस की प्रॉपर्टी में हमने ऑलरेडी पढ़ ली है ये, उसमें कहा जाता है इस प्रॉपर्टी में कि जो बेस होते हैं वो एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और वहां हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। मेरे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने वहां वो बात भी कवर करने की कोशिश की है। अभी फिलहाल मैं एक रिएक्शन आपको दिखा देता हूं करके। सपोज करें मेरे पास जिंक मेटल है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है और किसके साथ रिएक्शन किया जा रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के, एक्वा सॉल्यूशन के। ये सपोज करिए कि एक्वा सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो मुझे बताएं एक सॉल्ट बनेगा, उसको हम सोडियम जिंकेट बोलते हैं। सॉल्ट का नाम बनेगा सोडियम जिंकेट। और सोडियम जिंकेट आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल काम है। सोडियम और जिंकेट, ये इसका फार्मूला रहेगा Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट एक सॉल्ट आ जाएगा, साथ के साथ यहाँ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। तो आपने सोडियम जिंकेट को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सॉल्ट को। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं एल्यूमिनियम मेटल के साथ। एल्यूमिनियम सॉलिड फॉर्म में है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वा सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगी और हमें एक सॉल्ट देगी, और एल्यूमिनियम उसको हम सोडियम एल्यूमिनेट बोलेंगे। यहां हम लिख देते हैं उसका फार्मूला Na(AlO2)+ यहां हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो हाइड्रोजन गैस है, इसको मैं इस फॉर्म में लिख देता हूं, ठीक है। तो सॉल्ट का नाम आप याद रखें, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम जिंकेट। तो मैं यहां मेंशन भी कर देता हूं, अगर देख पा रहे होंगे, सोडियम यहां जिंकेट वर्ड लिख देता हूं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं इसकी, और यहां लिख देते हैं इसको सोडियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट Al लगेगा, ठीक है, और बाकी इसको बैलेंस करने का काम होता है। तो ऑल इन ऑल आप एक बार फिर से इनका चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के सेव कर सकते हैं, और साथ के साथ पॉसिबल हो तो नोट्स भी बनाते जाएं। ओके, तो इसके बाद हम डिस्कशन कर लेते हैं यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इनके फायदे हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो उस टॉपिक को भी कवर अभी कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहां मैंने मेंशन कर दिए हैं यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पहला यूज हमने लिखा है कि दे आर यूज्ड टू प्रिपेयर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। आपको याद रखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप, साबुन और डिटर्जेंट्स में यूज होते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने मेंशन किया है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स, मतलब कि पेपर इंडस्ट्री में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है, फाइबर मटेरियल्स बनते हैं जहां की आर्टिफिशियल फाइबर का यूज होता है, ठीक है। कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं फाइबर से बने हुए होते हैं, तो फाइबर भी आर्टिफिशियल और नेचुरल हो सकता है, तो आर्टिफिशियल फाइबर को बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज में आता है। आगे बढ़ते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में रिफाइनिंग के लिए है ना, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में रिफाइनिंग जब होती है, अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं सोडियम हाइड्रोक्साइड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमारे पास प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड। अब इसका मतलब क्या हुआ, बॉक्साइड क्या है, एक कच्ची ये समझे रॉ मटेरियल है, कच्चा धातु है। रॉ मटेरियल किसका है, एल्युमिनियम मेटल का है। एल्युमिनियम मेटल का कोई और पूछे क्या होता है, ओ आर ई, और यहां मैं मेंशन कर रहा हूं ओ आर ई वर्ड है,
ठीक है, कच्ची धातु बोलते हैं इसको, कच्चा प्रोडक्ट जो होगा रॉ मटेरियल। तो बॉक्साइट क्या है, जो एल्युमिनियम मेटल मिलती है हमें वो नेचर से डायरेक्ट नहीं मिलती, वो बॉक्साइट की फॉर्म में मिलती है। ठीक है, बॉक्साइट क्या है, एक तरह का आप कह सकते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड है, Al2O3 है। ठीक है, अब एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है इसको रिफाइन करने के लिए, मतलब एल्युमिनियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में हम क्या किसका यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उस प्रोसेस को हम लीचिंग बोलते हैं, LACHING, जहां से हम कुछ इंप्योरिटीज को रिमूव कर लेते हैं, है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड में से और कोई दूसरी इंप्योरिटीज जो होती है उनको रिमूव करने के लिए हम इस प्रोसेस का यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बॉक्साइट में भी एक प्रोसेस है प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल का, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज में आता है। नेक्स्ट हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ प्योर फैट्स एंड ऑयल, फैट्स एंड ऑयल को तैयार करने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कर सकते हैं। और लास्ट में लिखा है एज लेबोरेटरी एजेंट, लेबोरेटरी एजेंट का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू बनते हैं, और बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं जिसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी आपने जो ये मेंशंस पॉइंट्स पढ़े हैं तो इनको आप नोट डाउन करें और उनको देख लें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, चलिए देख सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये जो वीडियो मैंने आपको बताया पसंद आया होगा, और इसके अलावा भी हम दूसरे जो सॉल्ट होंगे उनको क्लैरिफाई करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे, वो होते कैसे हैं, प्रोडक्ट कैसे कैसे बन सकता है हमसे, और कौन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन उनके लिए यूज होते हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज हम, ये सारे जो पॉइंट हैं हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में।